भिलाई के शांतिनगर स्थित सेंट जेवियर स्कूल की छात्राएं सुपेला थाना पहुंचकर वहां के प्राचार्य पर अश्लील हरकत करने की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। छात्राएं अपने पालकों के साथ थाना सुपेला पहुंचकर सेंट जेवियर स्कूल शांतिनगर के प्राचार्य कन्नन आनंद कुमार पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। प्राचार्य के दुर्व्यवहार से पीड़ित छात्राओं के समर्थन में स्कूल के कुछ शिक्षक सहित वार्ड पार्षद और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी प्राचार्य की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे, जिसके बाद सुपेला पुलिस मौके में पहुंचे सेंट जेवियर्स विद्यालय के प्राचार्य को अपने कब्जे लेकर थाने ले आई और उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया। पीड़िता छात्राओं की माने तो प्राचार्य अपने कक्ष में बुलाकर अश्लील हरकत करता था, जिससे तंग आकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। छात्राओं के पालकों ने 2 माह पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को प्राचार्य की शिकायत की थी, जिसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। ये घटना जो है सेंट जेवियर स्कूल की घटना है, उसमें सेंट जेवियर स्कूल की कुछ छात्राएं जो हैं उनके द्वारा वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके अगेंस्ट में शिकायत दी गई है, दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा जो प्रिंसिपल के द्वारा है गलत हरकत किया जाता रहा है बच्चियों से, के संबंध में शिकायत को अभी जांच करने के उपरांत FIR किया जा रहा है और FIR करके जो मुनासिब कार्रवाई की जा रही है। बच्चियां जो हैं वो 10 से 12 तक के क्लास की बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, और जो अभी इसमें इनका बयान लिया जा रहा है, बयान के आधार पर जो धाराएं आकर्षित होंगी उन धाराओं पे कार्रवाई करते हुए। कितनी बच्ची है? अभी तक जो शिकायत प्राप्त हुई है 5 बच्चियों की शिकायत। 5 बच्चियों की हुई है? नहीं, हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था है महिला डेस्क है थाना सुपेला में, महिला 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 अधिकारियों के द्वारा इसमें जो जिस तरीके से बयान जो विधि संगत है उस तरीके से बयान किया जा रहा है। प्रथम दृष्टिया अभी जांच चल रहा है और जैसा भी इसमें जो बैड टच की जो शिकायत मिली है उसके संबंध में जांच करने के उपरांत पे कार्रवाई की जाएगी।